What's good everybody and welcome back to my channel, Simanshu here. तो आज की वीडियो में मैं एक नया शू लेके आया हूँ. ये शू बैंस का है. ये शू ज़्यादा नया तो नहीं कह सकते, ये काफ़ी पुराना शू है. पर मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ, मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आप कुछ पैसे अपने बचा सकते हैं कोई भी ओरिजिनल शू खरीदने में. तो जो मैं अपने शू की बात कर रहा हूँ आज, वो है ये वैंस का ऑथेंटिक. इसको ऑथेंटिक ही बोलते हैं, ऑथेंटिक. ये जो शू है, इस टाइम पे आपको वेज नॉन वेज में शायद 23-24 या मतलब 25-28 के बीच में मिल रहा है. पर जिस टाइम पे मैंने शू ख़रीदा था उस टाइम पे इसकी MRP 2700 थी शायद. मैं एक बार देख लेता हूँ. हाँ, 2700-2300 ऐसी कुछ थी. और जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था ये, मैंने मिंत्रा से ख़रीदा था. देख सकते हो इसका बहुत पुराना बॉक्स है, बहुत फटा हुआ बॉक्स है इसका. और ये ओरिजिनल ही है, ऐसा नहीं है कि फेक है. आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बॉक्स में. और मेरे पास इसका बिल भी पड़ा हुआ है अभी भी. ये शायद मैंने शू ख़रीदा था 2013 में, तो तब से मैंने ये शू शायद ही मैंने सिर्फ दो बार ही पहना है. उसके बाद ही मैंने नहीं पहना क्योंकि मेरे को शू थोड़ा छोटा है. ये साइज़ मैंने छोटा लिया था जैसे मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे उसके बेस पे. तो ये शू इस टाइम पे आपको मिल रहा है. एग्जैक्ट शू ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आजकल डाल दिया है या कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है. एग्जैक्टली सेम शू है जो आपको वेज नॉन वेज पे या फिर स्टॉक एक्स पे या गोट ऐप पे आपको ये 2500-2800 के बीच में मिलेगा. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ये शू काफ़ी सस्ते में ख़रीद सकते हो. तो उस टाइम पे जब मैंने ये शू ख़रीदा था मेरे को 1400 के अराउंड पड़ा था 2013 में. तो शायद अब हो गए इसको ऑलमोस्ट 8 साल हो जाएंगे इसको अगस्त में. तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी भी है. सिर्फ दो बार पहना है तो कुछ ऐसा कुछ डैमेज भी नहीं है इसमें, सब कुछ सही है. और मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर से इनसोल जो है ये निकलती तो है नहीं वैसे, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे भी करके निकाल के इसको मैं पहनने लायक बनाऊँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइट है ये शू इस टाइम पे. तो मैं आपको हाँ बता रहा था कि ये कैसे आप सस्ते में ख़रीद सकते हो. तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं. एक है कि आप थ्रिफ्ट स्टोर पे जाके, ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर जितने भी इंडिया में हैं वहाँ से आप पूछ सकते हो. आपको उनसे काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा. आपको 700 से लेके 1100-1200 के बीच में आपको शू, ओरिजिनल शू ईजिली मिल जाएगा अगर उनके पास सेम कलर वे होगा. अगर सेम नहीं है तो आप कोई और कलर वे भी ले सकते हो, बस देख लीजिएगा कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है. वो आपको सब कुछ स्लिप्स वगैरह, मतलब रिसीट वगैरह और उसके टैग्स वगैरह आपको सब कुछ देंगे. तो सबसे मेन चीज़ होती है ओरिजिनल को स्पॉट करने में पहली, कि यहाँ पे जो साइजिंग टैग है ये दिख लीजिएगा. ये ओरिजिनल वैंस में ऐसा होता है. जो फेक होते हैं उनमें या तो फिर वो खाली प्रिंट करके लिख देते हैं या तो फिर होता ही नहीं कुछ भी. और उनकी इनसोल जो होती हैं वो भी ईजिली निकल जाती हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ये जो इनसोल्स हैं इनकी जितनी भी, वो सारी अंदर से ग्लूड होती हैं इनमें, तो वो नहीं निकल सकती. और आपको पीछे यहाँ पे जो ब्रांडिंग होती है वैंस ऑफ द वॉल की, इससे भी पता लग जाएगा ये एग्जैक्टली मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है. फेक्स में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा ये वाला जो पीछे ब्रांडिंग है ये थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट होती है. और उनकी आउटसोल भी थोड़ी ज़्यादा बल्की सी लगती है कि जैसे कुछ फैक्ट्री फ्लॉ होगा उसमें, ऐसा आपको देख के पता लग जाएगा. और जो अंदर से जो टो बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पैडिंग मिलती है, पैडिंग तो नहीं कह सकते, कुछ कार्डबोर्ड का सा मटेरियल होता है जो अंदर ही यहाँ पे ग्लूड होता है, जो बस इसको फॉर्म को मेंटेन करने के लिए होता है. अभी इसके अंदर मैंने इसके पेपर्स वाले हुए हैं वैंस वाले ही, तो उसकी वजह से अभी ज़्यादा मेंटेन हो रहा है. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक तो आपके पास ऑप्शन है थ्रिफ्ट स्टोर, बहुत सारे इंडिया में थ्रिफ्ट स्टोर खुल गए हैं ऑनलाइन. जैसे आपको विंटेज कलेक्शन वाले पेजेस आप जाके देख लीजिए, उनसे मिल जाएगा जिनके जो कपड़े बेचते हैं विंटेज वो वाले. और कुछ पेजेस हैं जो बहुत सारे जो खाली शू में ही डील करते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं. आप बस एक बार थ्रिफ्ट लिख दीजिएगा अपने इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंडिया के पेजेस मिल जाएंगे. तो आप उनसे ले सकते हो. आपको वहाँ पे स्केट हाई भी मिल जाएगा ओरिजिनल, आपको स्लिप ऑन्स मिल जाएंगे, आपको ऑथेंटिक एरा सब कुछ मिल जाएगा, कैप्स भी, हाफ कैप्स भी मिल जाएंगे आपको. तो ये था एक ऑप्शन. और दूसरा ऑप्शन है आपके पास OLX वगैरह जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं शू. बस आपको ये देखना है कि वहाँ पे भी वही है कि आपको देखना है कि ओरिजिनल होना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया तीन चार चीज़ें हैं जो आप स्पॉट कर सकते हो. तो अगर आपको पसंद आ रहा है शू, अगर आपको लग रहा है अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, तो आप ज़रूर खरीदिए. बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल शू है. आप इनको शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो, जीन्स के साथ पहन सकते हो. और मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि लोगों ने इनको फॉर्मल के साथ भी पहना है. मैं इनको फॉर्मल के साथ
सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है कि आपने पूरी प्रॉपर आउटफिट फॉर्मल पहनी है और उसके नीचे से आपने कैजुअल बिल्कुल ही कैजुअल स्केटर शू पहने हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो ये था आज का, थोड़ा सा मैंने सोचा था कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ तो थोड़ी आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई अनबॉक्स किया नया शू। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ कि आप कैसे स्मार्ट शॉप कर सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैं उस ब्रांड की जैसे H&M की, ज़ारा की या मिंत्रा की, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप शॉप कर सकते हो, काफ़ी अपने पैसे बचा सकते हो, तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाके या तो वहाँ रिप्लाई करूँगा या एक नई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई ऐसे शू ढूंढ रहा है और उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में, तो आप ये वीडियो उनको सजेस्ट कर सकते हो और हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए, है ना। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, पीस।